आपका अपना YouTube चैनल आपके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1300 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जरूर देखिए। इसके अलावा ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 2700 प्लस, जिसमें ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन है उसे पहले मैंने समाप्त कर दिया है। बिल्कुल हॉट ट्रिक से जरूर देखिए और सभी दोस्तों को लगातार शेयर जैसे कर रहे हैं लगातार करते रहिए। हो सकता है आपके कारण किसी का भला हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बहुत दुआ मिलेगी। इतना आपको करना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 2 दिन गैपिंग हुआ क्योंकि थोड़ा सा खांसी और खराश हो गया था, अब ठीक है। लगातार आपको क्लास मिलता रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग 1301 से रेगुलर देखेंगे, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई परेशानी है या अच्छा लगे, कुछ भी है, कुछ भी एडवाइस हो तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1301 क्वेश्चन आपको दिखेगा, बहुत मजे सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है और आगे आने वाला सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 20,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 15%, पहली बात तो मूलधन 20,000 है, दर 15% है, ये हो गया एक वर्ष है। लेकिन बाद में बोल रहा है क्या, पर निवेश करता यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि होता है तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में। तो यहां पर छमाही होने के कारण आप पढ़े होंगे कि दर आधा हो जाता है, 15 के आधा 7.5 हो जाएगा एंड समय दुगना हो जाता है, एक वर्ष के बदले 2 वर्ष हो जाएगा। अब मैंने जब भी सी आया था तो 2 वर्ष का मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, 2r + r² / 100। लेकिन जब दशमलव में है और मिश्रधन भी पूछ रहा है तो बेकार है, उससे अच्छा डायरेक्ट आप सिंपल परसेंटेज के नियम से मिश्रधन ज्ञात कर लो। मूलधन 20,000 है, 7.5% 2 वर्ष, तो 2 बार 7.5% बढ़ेगा। कोई भी राशि 100 तो पहले से ही रहता है, तो 100 × 7.5 / 100 फिर गुना 100 × 7.5 / 100। अब क्या है, काट दो, पॉइंट काटो, जीरो पॉइंट काटो, जीरो। यदि 25 से काटोगे तो 25 × 100 = 40 बार में, 25 से ही काटोगे तो 43 बार में, ये भी 43 बार में, ये 40 बार में। अब क्या है, 100 × 200 × 100 × 200 आप भी काट सकते हो, इसको 4 से काट दो, 4 से यदि हम काटेंगे तो कितना बार में, 50 बार में, फिर 2 से कट रहा है, 2 × 4 = 25 25 × 2 = 25। अब तो कैलकुलेशन आपको करना है, 25 × 43 × 43 25 से गुना करके 2 से भाग दीजिए, इसका आंसर आप ला सकते हैं। कैलकुलेशन जब मैं आपके लिए छोड़ता हूं तो आपको भी नहीं छोड़ देना, क्योंकि आपके पीछे कोई करने वाला नहीं। आप कैलकुलेशन जितना करोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैथ मेनली रूप से कैलकुलेशन ही है, सिस्टम तो आपको पता ही हो जाएगा, ट्रिक बताएंगे तो, लेकिन कैलकुलेशन नहीं छोड़िए। तो एक्चुअल में हम लोग का 25 × 43 × 43 / 2, बस जो आएगा वो आपको आंसर कमेंट में देना है, ताकि हमें लगे कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मजेदार है, देखिए बहुत आसान है। रेशियो से 7x बराबर यहाँ है 25y यहाँ दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है x/y − 2 ² यही लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो। आप रेशियो पढ़े होंगे, रेशियो मैंने पूरी तरीका से बहुत बेहतर ढंग से समाप्त किया अपने असाइनमेंट से, महेश मिस के बुक से, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, 2 या 2 से अधिक राशि है तो कोफिशिएंट रूल लग जाएगा 25/7। अब तो कुछ करना नहीं है, एक्स के स्थान पर 25, वाई के स्थान पर 7 पुट कर दो, तो 25/7 − 2 ² भिन्न के जोड़ घटाव बनाए होंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं, तो 1 LCM 7 25 − 7 उधर कितना होगा, 7 × 2 = 14, 25 में 14 घटेगा 11, बटा में कितना है 7, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121, तो पता ही होगा आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, 40 तक का स्क्वायर तो आपको याद ही रहना चाहिए, 7 का 49 हम लोग का मेनली आंसर हो गया 121/49, जो आपका ऑप्शन मिला दीजिए, ऑप्शन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर 100% समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडवाइस देना है कि सर आप बेहतर दूसरे तरीका से, तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिए, तभी आपको तैयारी करने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में। मैं जैसा कि मैंने वादा किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम से पहले मैं जरूर समाप्त करूंगा, चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो। जैसे 2700 मैंने समाप्त कर दिया, ये 3200 भी अब जल्द ही समाप्त होगा,
रीजनिंग में 2500 समाप्त होगा, फिर वॉल्यूम 1 भी पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा मास्टर वीडियो से जो भी कमजोरी आपका बचा हुआ है, ये छुट्टी का समय है, लॉकडाउन है, जो भी है आपके पास इनफ समय है, प्लीज आप सुधार लो उस कमजोरी को, ताकि एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस हो और आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमको आंसर हो गया बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1303। चार पुरुष या छह महिलाएं या आठ लड़के एक काम को 32 दिन में। पहली बात तो अलग अलग लोग हैं तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। चार मैं या मैंने बराबर छह वो मैं या आठ बॉय, तो पहले तो रेशियो निकालेंगे मैन वो मैन और बॉय का। ऊपर दो सब में कट रहा है तो दो दून चार, द्वितीय छह, दो चौ आठ। हम सभी जानते हैं दो या दो से अधिक राशि बराबर हो तो कोएफिशिएंट उलटता है, उल्टेगा तो 1/2, 1/3, 1/4। रेशियो पढ़ेंगे उसमें बताया गया होगा कि भिन्न के रूप में रहने ही नहीं देना है रेशियो। सीधा करने के लिए हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा, एक लाइन में 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 6, 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 और 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3। तो एक्चुअल में मैन वो मैन और बॉय मतलब पुरुष स्त्री और लड़का का जो काम करने का क्षमता का जो रेशियो हो गया वो हो गया 6:4। पूछ रहा है तो वही काम एक पुरुष एक महिला और दो लड़का द्वारा कितने दिन में, किसी एक को पहले लेकर चलिए, चार पुरुष तो पुरुष का क्षमता 6 है तो 6×4=24, या 6 महिला की क्षमता 4 है 6×4=24, या 8 लड़का का 3 है कोई लेकर चलिए 24, तो बड़ा एक पुरुष एक महिला दो लड़का द्वारा कितने दिन में, तो एक पुरुष 6, एक महिला 4, 6×4=10 और एक लड़का 3, 10×3=13 सब मिल गया तो क्षमता 13 हो गया। तो बोला है कई दिन में, डी दिन में, यानी हमको आंसर हो जाना चाहिए, सॉरी दो लड़का यहां बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि चार पुरुष छह महिला आठ लड़का एक काम को 32 दिन में, तो चार पुरुष 6×24 या छह महिला 6×24 को एक लेकर चले 24, 32 दिन में करना, कितना दिन में, 32 दिन में। तो बोल रहा है एक पुरुष एक महिला और दो लड़कों द्वारा कितने दिनों में, तो एक पुरुष 6, एक महिला 4, 6×4=10, दो लड़का मतलब 3×2=6, फिर से एक पुरुष 6 का 6, एक महिला 4 का 4, 6×4=10 और दो लड़का 3×2=6, 10×6=16, कितने दिन में, डी दिन में, 16×2=32 गुना करेंगे 24×2=48 दिन। यानी कि जब एक पुरुष एक महिला और दो लड़का मिलकर उसी काम को करेगा तो ये कर देगा 48 दिन में, और 48 दिन आपका दर्शा रहा है ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1304। वह छोटी छोटी संख्या, जैसे ही छोटी छोटी बोला या कम से कम तो माइंड में क्लिक कर गया, छोटी छोटी कम से कम या न्यूनतम का मतलब एलसीएम होता है। अब आगे बढ़िए, छोटी संख्या याद करो जिसको जब दो गुना किया जाए तो 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 14, 35 और 28 और 91 से सभी से विभाजित होने वाला केवल इसका एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि एलसीएम का डेफिनेशन आप पढ़े हो कि वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे विभाजित हो, तो इसका एलसीएम निकालिए, या तो ऐसे करके निकालने के लिए जैसे हम लोग बचपन में सीखे, या सिंपल तरीका मैं बार बार आपको सिखाया हूं और मास्टर वीडियो भी जल्दी अवेलेबल होगा। आप हाई फैक्टर में तोड़ दीजिए, 7×2=14, 7×5=35, 7×4=28, 13×7=91। उसके बाद में बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दीजिए, वही एलसीएम होगा। सबसे पहले 13, 7, 5, 4, आप 4 कर दिए तो 2 गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको गुना करिए, 13×7=91 और 5×20, अभी दोनों गुना होगा 0, 2×1=2, 9×2=18। एक्चुअल में यदि सिर्फ इसका एलसीएम पूछता या ऐसा पूछता कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन सभी से विभाजित हो जाए तो आंसर होता 1820, लेकिन बोल रहा है कि विभाजित होगा लेकिन दुगुना करने पर विभाजित होगा, तो निश्चित रूप से मूल संख्या इसका आधा होगा, क्योंकि 1820 तो विभाजित हो रहा है ना, लेकिन दुगुना करने पर नहीं आया होगा तभी तो विभाजित हो रहा है, तो मूल संख्या इसका आधा होगा। 1820 के आधा करेंगे तो 910, देखिए 910 होगा तभी तो इसको दुगना करेंगे तो 1820 होगा, जो कि सभी से विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने के मतलब उसका एलसीएम, तो हम लोग का मूल संख्या जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो 910 आया, 910 ऑप्शन से मिला ही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1305 देख लो। एक डेटा कार्ड का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन कितनों घुमा के रहे, छोटा रहे या बड़ा रहे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालो। यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, प्रतिशत के चर्चा हो और जिसमें का लगे उसको 100 मानते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लगा विक्रय मूल्य तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे।
वैसे तो क्रैमुल भी अपने आप में 100% ही होता है, लेकिन बिक्रैमुल में का लगा तो बिक्रैमुल 100, अब बोल रहा है क्रैमुल बिक्रैमुल का 40% है, 100 तो ये कितना 40, यानी अब क्रैमुल हो गया 40, बिक्रैमुल 100, तो लाभ कितना हो जाएगा? बोले सर लाभ तो 60 हो जाएगा, लेकिन लाभ प्रतिशत की गणना क्रैमुल पर होता है, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, तो 60/40 × 100, बस अब क्या है काटो, 20 × 40 = 60, 50 × 100 = 150। कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट करता हूं ताकि आप भी सीख पाओ फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, और कॉन्फिडेंशियल फास्ट कैलकुलेशन, तभी आप एग्जाम में मैनेज कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन को टच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का है 150% जो दिखा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1306 क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5, 6, जैसे ही त्रिभुज आया तो माइंड में एक बात क्लिक किया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात पूछ रहा है, तो ये तो रेशियो से ही, रेशियो दिया रहे, रेशियो पूछे तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन दिख रहा है आपको 6, सबसे छोटा कौन दिख रहा है 4, 2 से दोनों कटेगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, काट दिया हम लोग का आंसर हो गया 3:2, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1307, आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चन इतना बार बार दोहरा रहा है क्या, तो याद ही हो गया होगा, एक बंटन का माध्य 63 है और मानक विचलन 12, तो विचलन गुणांक, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ रेगुलर लगभग सेट में आ रहा है कि विचलन गुणांक हमेशा परसेंट के रूप में होता है, विचरण गुणांक की गणना माध्य पर किया जाता है, यानी विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, यही होता है विचरण गुणांक। इसके अलावा जब जब आता है मैं बोलता हूं कि प्लेलिस्ट में जाओ और स्टैटिक्स का 5 छोटा छोटा वीडियो बनाए, सभी जितना भी टॉपिक है विचरण गुणांक मानक विचलन बहुलक माध्यमिक का सभी को क्लियर कर दिया हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, यदि इसी लेवल का एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा तो निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे, तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो यहां पर मानक विचलन कितना दिया हुआ आपका, तो मानक विचलन है 12 और मानक विचलन माध्य कितना है 63, परसेंट ज्ञात करना है 100 से, काटिए 3 से तो कट ही रहा है, 4 × 12 61 / 63, अब यहां पे आया 400/21, अब इसको दशमलव में ले आओ, ये आ जाएगा 21 × 21, बचा कितना, बोले सर 21 तो बचाएगा 19, 21 नमा यानी 19 दशमलव, तो 19 दशमलव तो देखिए 19.05% लगभग में आपका आंसर हो जाएगा, 19.05% दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दशमलव में आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका मेथड सही है, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो आंसर 100% आएगा, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1308 देख लो, सभी क्वेश्चन तो मैं जा रही है, रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है, समझिए जिस गति से वापस जाती है मतलब कार्यालय से वापस जाती है मतलब घर जाती है, उसी गति से कार्यालय आती है, उसकी आधी गति से, पहले वापस जाती है मतलब घर जाती है, उसके बाद कार्यालय आती है, क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के रीजनिंग के तरह लिखा है, वापस जाती है, वापस जाती है मतलब घर इसको बोल सकते हैं, कार्यालय से घर ही जाएगी अब कार्यालय आती है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है, गति मतलब चाल, मतलब आधी गति से कार्यालय आती है मतलब जाने का गति कार्यालय के आने की गति से दुगना हो, जैसे हम बोले हम आपसे आधा है तो आप हमसे दुगना, तो जिस गति से वह जाती है उसके आधी गति से आती है मतलब दो गति से जाती होगी तो एक गति से आती होगी, कुछ भी आप आधा मान लीजिए, रेशियो 2:1 एक ही आएगा, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही है तो उस समय की गति क्या है, क्या बोल रहे हैं कि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रूपा अपने कार्यालय मतलब कार्यालय जा रही है या कार्यालय आ रही है थी तब उसकी गति क्या थी, तो पहले हम सभी जानते हैं कि दोनों तो सेम ही दूरी है, माने इसका चाल 2x इसका चाल x, अब आप सभी जानते हो कि औसत चाल क्या होता है,
जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल x एंड y से चले तो औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। पूरा बढ़िया से डिटेल से मैंने टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ पे औसत चाल हो जाए 2x के जगह पे 2x, y के जगह पे x बटा x प्लस y, मतलब 2x प्लस x बराबर 24 दिया हुआ है। अब क्या करना है, दो दूनी चार, एक्स स्क्वायर बटा नीचे 2x है 3x बराबर 24। एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, चार से छः चौका 24, एक्स बराबर तिरछा गुना करेंगे 6 3 18, मतलब हम कह सकते हैं कि कार्यालय जाने की गति उसका है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने की गति उसका है, कार्यालय से वापस जाने की गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछ कह रहा है, बोला कार्यालय जा रही थी उसकी गति, कार्यालय जा रही थी मतलब कार्यालय जाने की बात है, या तो कार्यालय में बैठ के बोले कि कार्यालय आ रही थी, वही बात है। यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कार्यालय आती है मतलब कार्यालय जा रही है 18 किलोमीटर, यदि कार्यालय से जाती है या घर वापस जाती है तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1309 देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का मजेदार क्वेश्चन, मैं आपको हॉट ट्रिक बताता हूं, देख लो। भूमि पर एक बिंदु से जो टावर के तल से 45 मीटर, देखिए यह एक टावर है, इसके तल से 45 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहां पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बड़ा टावर के सन्निकट ऊंचाई ये लगभग में ऊंचाई क्या है, लगभग में बोला है, तो जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो जैसे ही 60 डिग्री दिया माइंड में आ गया टैन 60, और टैन 60 का मान होता है रूट थ्री, बटा में कुछ नहीं तो वन, और टैन थीटा होता है लंबवत आधार, मतलब ये रूट थ्री और ये कितना हुआ। तो यहाँ पर 45 दिया हुआ है, रेशियो के अनुसार ये वन आया, पूछ रहा है ऊंचाई तो रूट थ्री से गुणा। बिल्कुल इसी नियम से हाइट एंड डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो बना दिया, जरूर देखिए, एक बार देख लिए तो आप किसी एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। तो यहाँ पे लगभग में मान पूछ रहा है, मतलब 45 गुना, यहाँ पे हम लोग को रूट थ्री का मान रखना होगा 7 10, रूट थ्री का मान होता है 1.732, क्लियर। अब क्या करना होगा, इसको 45 से गुणा कर देना है, 45 से गुणा करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, यदि आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, उसके बाद गुणा कर दीजिए, चलो मैं ही कर देता हूँ। 5 यहां से निकाल लेते हैं, 9 5 45, यहां से 2 निकाल लेते हैं, 8 2 16, 1 5 6 2 12, 1 5 6 2 12, उसके बाद 1 सुना देते हैं क्योंकि 5 और 2 के बाद, ऐसा क्यों किए, 45 का के स्थान पर आप 9 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 9 6 54 5, 9 6 54 5 59 5, 9 8 72 5 77, उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो एक्चुअल में हम लोग का आया 77.940। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है, लगभग में, तो इसके लगभग में तो एक ही मान आप बोल सकते हैं कि 78 मीटर होगा सर, यानी आप कह सकते हैं इस जो टावर है इसका सन्निकट ऊंचाई का मीटर है 78 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 78 मीटर, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-10 देख लो इसी प्रकार से, यदि निधि शिल्पी से 50/3% अधिक आय अर्जित करती हो तो शिल्पी निधि से लगभग कितना कम, देखिए वही मजेदार क्वेश्चन फिर से, निधि शिल्पी से, तो पहले शिल्पी ही लिख देता हूं, शिल्पी से अधिक है निधि, लेकिन कितना अधिक है पूर्णांक में दिया, तो जिससे भी अधिक या कम हो प्रतिशत की चर्चा हो, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी राशि अपने आप में 100%, तो शिल्पी 100 मानेंगे, आई से 50/3 अधिक है, तो 100 + 50/3 जब आप करोगे इसको जोड़ोगे तो 350/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे निधि शिल्पी से इतना अधिक है, तो आप बोल रहा है शिल्पी निधि से कितना कम, तो बोले सर कम भी तो उतना ही ना होगा, शिल्पी निधि से, यही तो पूछ रहा है कि शिल्पी निधि से तो कम भी उतना ही होगा 50/3 ही, लेकिन प्रतिशत के रूप में जो कमी होगा वो अब 100 से नहीं होगा, 350/3 से अब आपको कमी करना होगा, 350/3 नीचे, 50/3 ऊपर, परसेंट ज्ञात करना है 100 से, 3 से 3 काटो, 0 से 0 काटो, 7 5 35, एक्चुअल में बच गया 100/7। अब क्या है आंसर लो, या तो ये हाँ लगभग में ही दिया होगा, क्योंकि 7 से जब काटेंगे 14 7 98, 14 पूर्णांक 2/7 होगा, जो लगभग में आप 14% कर सकते हैं इसको, 14 पूर्णांक 2/7 या 14%, तो पूरा पूरी में ही दिया है
तो 14 लगभग ऐसे भी पूछ रहा है कि लगभग कितना परसेंट, 14%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1311, देखो फटाफट, ये तो आपसे ही बनना ही चाहिए। क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना है 35। तो बोल रहा है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 3xy बराबर 7। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई बराबर 8। इसका दो तरीका है। एक तरीका तो है कि एक्स और वाई का मान ऐसा रखो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर करके किसी तरीका से इसका मान निकालो, इसका फॉर्मूला बैठा के, थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि कुछ मान ही रख दो, कुछ मान रख के पुट करते हैं, 35 लाना है तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। यदि हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2, तो आता है, तो बोले हाँ सर आता है, क्योंकि 3 का क्यूब यदि हम करते हैं प्लस 2 का क्यूब, 3 के क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 35 आ जाता है। तो यहां पर भी मान रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 गुना 2, 3 अदो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 दिया 9 दुनिया 18 आ ही रहा है। ऐसे भी वहां पे सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया, आसान हो गया। x का मान कितना 3, y का मान कितना 2, तो xy बराबर 3 दुनिया 6। कितना आसान है, अलजेब्रा का सबसे आसान नियम। यदि आपको ये पता चल गया, थोड़ा सा बस सोचना है, ज्यादा प्रॉब्लम बनाए तो अपने आप आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ऐसा मान पुट करिए कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद वही मान यहाँ रख दिए, x का मान 3, y का मान 2, 3 दुनिया 6, तो हम लोग का यहाँ पे एक्स वाई का मान हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1312 देख लो। अब देखने में तो बड़ा है, एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। मतलब देखते हो गांव में खेत सिंचाई करने के लिए होंडा रखता रहता है, एक मोटर 4 घंटे में भर सकती है। टैंक मेरी 100 था, जिसके टैंक को भरने में 6 घंटे लगे। मान लिया जाए कि टैंक भरा हुआ है, कितने समय मेरी 100। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नाले और टंकी का मास्टर वीडियो में स्पेशल टाइप करके ये क्वेश्चन बनाया है कि मानिए ये कोई नाले है जो 4 घंटे भर सकता है, लेकिन ए के साथ एक बी भी खुला हुआ है, लेकिन ई रिसाव है, इससे पानी खाली होता है। तो निश्चित है अकेले चलते रहता भरने वाला तो 4 घंटा, लेकिन उसके साथ एक खाली होने वाला भी चल रहा है तो 6 घंटा लग गया। 6 घंटा एक रिसाव है, 6 घंटे लगे। तो सबसे पहले तो समय के उल्टा क्षमता होता है, 6 इधर आएगा, 4 उधर, 3 दुनी 6, 2 दुनी 4। आप सोचिए तो रिसाव का क्षमता तो यहां से पता ही चल गया, क्योंकि अकेले इसका क्षमता 3। रिसाव जब कोई दूसरा मिलता है तो क्षमता बढ़ना चाहिए, जबकि घट के 2 हो गया, इसका मतलब रिसाव की क्षमता 1, लेकिन कौची माइनस। ऐसे भी आप जानते हैं खाली करने वाला क्षमता निगेटिव होता है, तो वही बोलता है जब पूरा भरा हो तो रिसाव अकेले कितना देर में खाली करेगा। तो किसी एक को लेके चलेंगे, 3 के क्षमता से 4, 4 या 12, 2 के क्षमता से कोई एक लेके चले 12, तो 1 के क्षमता से कितना देर में खाली करेगा, टी डी एक्स कुछ भी, तो टी बराबर 12 का ही 12, यानी कि अकेले रिसाव पूरा भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ माइनस एक लिखना कोई जरूरी नहीं, खाली कर सकता है मतलब माइनस ही हुआ, ऋणात्मक ही हुआ। तो यहाँ 12 घंटे हो जाएगा, 12 घंटे में रिसाव टैंक को खाली कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1313, ये तो कैलकुलेशन है भाई, 0.14 है और 1.4 है, इसका पूरा का होल स्क्वायर, 0.11 है और 1.1 है स्क्वायर, फिर प्लस 0.13 है और 1.3 है के होल स्क्वायर बराबर 8। बहुत मजेदार है, कोई बात नहीं। यहां पे ऐसा करता हूं ना, यहां पे एक सुना देता हूं, तो 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद कट गया, 14 का 14 दे है, यहां भी शून्य दे देते हैं, चूंकि दशमलव के बाद आप शून्य दे सकते हैं 11 से 10 बार में, यहाँ भी शून्य दे दिए, तो 2 के बाद 13 से 10 बार में। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग का हो गया 1/10 के स्क्वायर कितना 100 माइनस 1/10 यहाँ भी 10 के स्क्वायर बटा 100, चूंकि ऊपर में 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर प्लस ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 के स्क्वायर 1, नीचे 10 बचा तो 100, ये प्लस 1 माइनस कट गया, तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर बचा 1/100। अब 1 में 100 से भाग देना है, 1 क्या, किसी भी संख्या में 100 से भाग देना मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो पहले तो 0 दशमलव, फिर 0 1 ही दे सकते हैं, क्या 100 से भाग देना, तो 0.01 तो आपका एक ही ऑप्शन दर्शा रहा है, और वो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1314 तो पूछना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि बोला 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1, 4 का डाटा रेंज ज्ञात किया, इसी को रेंज बोलता है या परिसर बोलता है। इसका मतलब एक ही फॉर्मूला होता है, ये सारा चीज मैंने स्टैटिक्स में पढ़ा रखा है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा को ही रेंज कहते हैं। तो यहां जो डाटा आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा 8, और जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा आपको 1, तो 8 में से 1 घट गया तो बचेगा कितना 7, यानी यहां पे हम लोग का जो रेंज बचेगा वो बचेगा 7, और 7 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-15, यहां पे है 64 × 5 / 4, फिर माइनस है 5 / 4 × 16। इसका मान ज्ञात करना, इसको तो आप भी कर ही सकते हो। इसको क्या करना है कि 64 को भी वैसे 64 × 5 / 4 उससे बेहतर होगा कि बोलिएगा सर 5 / 4 इधर भी, 5 / 4 इधर भी है, तो 5 / 4 कॉमन ही ले लो, आसान हो जाएगा। बच गया इधर 64 और माइनस इधर कितना बच गया 16। अब क्या करना है भाई, अब कैलकुलेट कर दो, और क्या 5 / 4 × 64 में से 16 जाएगा तो बचेगा 48। तो 5 / 4 क्या होता है, तो ये 5 / 4 जो होता है ये होता है 625, 625 और गुना 48। अब क्या करो, फटाफट इसको गुना कर दो, आराम से गुना हो जाएगा। गुना करने का सबसे आसान तरीका है कि यहां 4 निकाल लो, 12 × 48, यहां से 25 निकाल लो, 25 बार में इसके बदले 2 × 25 = 2, यहां से 25 निकाल लो एक बार में, यहां से 4 निकाल लो 3 बार में, फिर इसके बदले 2 × 0, आप गुना कर दो 3 × 1, कितना आसान है। ये सभी कैलकुलेशन का पार्ट्स मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं, सुबह में स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब उसी में ये सारा गुना भाग आपको बहुत फास्ट हो जाएगा, आप लगातार देखते रहिएगा तो कैलकुलेशन में। और आपको बार बार मैं बताता हूं कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैलकुलेशन। तो यहां पे हम लोग का आंसर हो गया 30,000 जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-16, बहुत मजेदार आसान, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, योग कितना है 55 है, तथा उसका अंतर कितना है, तो अंतर है जो 9 है, तो बोल रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा। तो ऐसा करिए ना, दोनों संख्या निकाल लीजिए ना, बड़ी छोटी, आपको तो कितना बार बताया हमने रेशियो में बेटर ढंग से पढ़ाए कि दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, 55 + 9/2, आधा मतलब 2 से भाग, 55 में 9 जोड़ेंगे 64, 64 के आधा 32, छोटा ज्ञात करना है घटा के आधा, 55 - 9/2, 55 में से 9 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 46, घटा के देख लो 46 में 2 से भाग देंगे 23। अब क्या इसका गुणनफल ही तो चाहिए, तो गुणनफल क्या है, गुना कर दो 32 × 23, तो फटाफट कर सकते हो आप, 23 × 46 = 4, 63 × 69 + 4, 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73। तो अक्षर में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 736 जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-17, क्वेश्चन बड़ा भी है, मजेदार भी है, समझने लायक भी है, पूरा कंसंट्रेट होकर। 10 पुरुष कार्य स्थल पी से क्यू पर स्थानांतरित किया जाए, तो पी और क्यू में पुरुषों की संख्या, पी और क्यू दो कार्य स्थल है, जहां पे मान लीजिए कि संख्या यहाँ 100 और यहाँ 22 है। अब कह रहा है 10 पुरुष जब कार्यस्थल पी से क्यू पर भेज दिए, पी से क्यू पर 10 पुरुष, पहला तरीका कि पी से क्यू पर चला गया 10 पुरुष उधर चला गया, तो क्या हो गया, पी से क्यू पर गया तो निश्चित है इधर से 10 घट जाएगा उधर 10 बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होने पर दोनों आपस में बराबर हो गए। हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 पुरुष पी से क्यू पर स्थानांतरित किया जाता है तो पी और क्यू में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। यहां से एक इक्वेशन बना, बाई को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बाई, 10 माइनस उधर जाएगा प्लस, और 10 पहले से है तो 10 + 10 = 20, इक्वेशन बन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि 20 पुरुष क्यू से पी पर स्थानांतरित किया, क्यू से पी पर चला गया कई पुरुष, 20 पुरुष क्यू से पी पर चला गया 20 पुरुष, तब क्या होगा,
तो बोले सर 20 गया तो इधर y माइनस 20 हो जाएगा, इधर x प्लस 20 हो जाएगा, इधर से गया तो घटेगा, इधर आया तो बढ़ेगा, और तो कुछ होगा नहीं। स्थानांतरित किया जाए तो q में पुरुषों की संख्या p से आधी हो जाएगी। जब ऐसा किए हैं तो q में p से आधी हो जाएगी, मतलब q वाला जो संख्या वो p के आधा हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि q बराबर p के आधा, मतलब इसका आधा, लेकिन यहां पे बराबर, ठीक है। देखिए इसका आधा हो गया, अब क्या है तिरछा गुना कर देंगे तो x प्लस 20 रहेगा बराबर 2 बाई, और ये 2 से गुना होगा माइनस 40। अब ना 2 बाई को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 बाई 20 उधर माइनस में जाएगा, माइनस 40 पहले से रहेगा, माइनस 20 आ जाएगा तो माइनस 40। ये हुआ इक्वेशन 2। अब दोनों को हल करके हम लोग को निकालना क्या है, बोला है क्यू में पुरुषों की संख्या मतलब बाई का मान ज्ञात करना है, तो x माइनस 20 बराबर 20 और x माइनस 2 बाई बराबर माइनस 60, x माइनस बाई बराबर 20 और x माइनस 2 बाई बराबर 60। हमें तो बाई चाहिए तो x तो सेम ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे घटा देते हैं, ये माइनस घटाने के मतलब चिन्ह बता देगा, ये माइनस ये प्लस ये भी करना प्लस, x x कैंसिल, 2 बाई में से बाई घटेगा या माइनस बाई है नीचे प्लस 2 बाई है तो एक बाई बचेगा, ऊपर 20 है प्लस में नीचे भी 60 प्लस में हो गया तो 80, बाई का मान 80, यानी हम कह सकते हैं क्यू में पुरुषों की संख्या 80, क्यू में पुरुषों की संख्या 80। ऐसा काम करने के लिए हम ऑप्शन भी अपना सकते थे, लेकिन उसमें भी लंबा कैलकुलेशन करके चेक करना ही पड़ता दोनों कंडीशन को, तो यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन लेके चल दिया। लीनियर इक्वेशन आया, 9th में बेहतर ढंग से लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, हल किए बाई का मान, चूंकि क्यू निकालना क्यू को बाई माने तो डायरेक्ट बाई निकाल दिए 80, यदि P निकालना रहता तो X निकाल देते, जो भी आता आंसर होता, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 80 होगा जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-18 देख लो, टाइम वर्क का है, के और एल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब के और एल मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में, यदि के अकेला इस काम को करे तो 60 दिन में, के अकेला 60 दिन में, तो बोला है एल अकेला। ये सब क्वेश्चन तो आप बेसिकली मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, फिर कभी नहीं छूटेगा। सबसे पहले क्षमता, समय को उल्टा, 60 इधर 20 इधर, जब उल्टेगा तो 60 इधर 20 इधर, 20 का 20 20 60, मतलब दोनों का क्षमता 3, इसमें k का 1 तो निश्चित है l का 2 होगा, ये तो कोई भी बता दे, देखे ना 2 1 3, k और l मिला के 3 है, किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तो यही तो पूछ रहा है l अकेला कितने दिन, तो l का क्षमता 2 है तो 2 के क्षमता से भी दिन। बहुत ही बेस्ट मैंने टाइमर पढ़ाया मास्टर वीडियो में, कि बस थोड़ा सा आप सीख गए ना क्षमता निकालना, तो एक लाइन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी कि अकेले करेगा तो 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13-19 तो फिर एक लाइन में है, एक आयत जिसका विकर्ण 15 है, चौड़ाई 9 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम सर विकर्ण है 15, चौड़ाई है 9, तो लंबाई चाहिए, बोले क्यों सर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 15 ये 9 तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये 12 ही होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस त्रिभुज में देखो तो लंब एक कर्ण है, तो ये आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 225 माइनस 81 करिए घटा के 144 रूट में आएगा 12, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आता है तो आपको पाइथागोरस बता ही देता हूँ 3 4 5, तो यहाँ भी देखिए ना 9 12 15 बैठी तो रहा है, 9 के स्क्वायर करो और 12 के स्क्वायर जोड़ के 15 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा फास्टली, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई 12 चौड़ाई 9, 12 नमा 108, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 108 वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, तो 108 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1320 देखिए, एक वस्तु 22% की हानि पर 720 में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वैसे तो हम सभी जानते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, हानि पर बेचा गया है तो ये विक्रय मूल्य है, 22% हानि पर बेचा गया तो 100 में 22 घटाएंगे तो 78 से तुलना होगा, 100 में 22 घटाइए और निकालना है क्रय मूल्य, तो कैसे गुना 100 से, अब क्या भाई इसको काटना ही तो है, आप काट सकते हो डायरेक्ट या तो फिर आप 39 से काट दो या 2 से पहले काट दो, चलो 39 दुनिया 78, 2 से ही काट दो, 35 दुनिया 70, 2 2 0, और भी आप छोटा करके काट सकते हो 13 से आप काट सकते हो, 13 3 39, 13 से आप काट सकते हो 13 2 26, 5 4 9 63 91 0, अब तो कट गया 9 3 27,
फाइनली आप बता सकते हो कि सर जी उसका क्रैमोल जो बचा वो बचा ना हो जाए। यदि नहीं कर रहा है तो छोटा छोटा पार्ट करके कैलकुलेशन करो, धीरे धीरे स्पीड अपने आप आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्रैमोल जो होगा 9000 होगा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1321 देख लो। मजेदार क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या, जब भी छोटी छोटी आता है तो मैं बोलता हूँ दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एलसीएम निकालना है आपको। बात छोटी छोटी संख्या जिसे 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचे। जब मैं मास्टर वीडियो पढ़ाऊंगा एलसीएम एसीएफ का, ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा, कुछ करना नहीं। पहले तो छोटी छोटी जैसे ही बोला तो एलसीएम प्राप्त करो, तो पहले एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो एलसीएम प्राप्त करने का तरीका डायरेक्ट माइंड में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको मैंने बताया कि आवाज फट करने तोड़ दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ये तो 25 ही है, ये तो टूटेगा नहीं दूसरा अदर फैक्टर में। तो 25, उसके बाद 4, उसके बाद 3। आप 25 कर दिए तो 5 करने की गुना कोई जरूरत नहीं है, 4 कर दिए तो 2 गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 तो एक ही है, तो 25 × 100 = 300। एक्चुअल में इसका एलसीएम 300 है। 300 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है सभी से कटने वाला। लेकिन यहाँ कटने वाला इसको नहीं चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष कब बचेगा, जब 3 अधिक रहेगा तब ना, ये तो सबसे कट ही जाएगा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, तो जो एक्चुअल में जो मूल संख्या ज्ञात करना है वो हम लोग का आएगा 303, वो आएगा 303। ऑप्शन मिला लो आप, ऑप्शन मिल रहा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1322। अब है तो एक ही क्वेश्चन लेकिन इसमें डबलिंग किया है कुछ। कह रहा है क्या, 10,000 की दो राशियों प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, 5% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर, परिपक्वता मूल में अंतर। परिपक्वता मूल मतलब मिश्रधन में अंतर, तो जो ब्याज में अंतर होगा ना वही मिश्रधन में भी अंतर होगा। तब इसमें दो तरह का, पहला तो है एस आई और दूसरा है सी आई। दर हर स्थिति में 5% है और समय 2 वर्ष है। अब आप सभी को पता होगा जब भी 5% होता है मैं 3 वर्ष तक का सीआई जरूर बता देता हूं। एसआई तो सीधा दर गुना समय होता है, इसलिए 5 × 2 = 10। अब सीआई आपको पता होगा 10.25 होता है। नहीं भी पता है तो सीआई तो 2 वर्ष का सीधे 2r + r² / 100 ही होता है। लेकिन जब जब मैं आता है तो बोलता हूँ कि 5% और 10% को 4 वर्ष तक याद रखो ताकि 100% क्लियर रहे। 5% सीआई, 1 वर्ष का तो आपको पहले से ही पता होगा 5 ही होता है, सी आई एस आई डी बदलता है। 2 वर्ष का अभी मैंने आपको बताया 10.25। 3 वर्ष का भी पता होगा सी आई कोर्स जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं, जैसे समाप्त हो गया है रेशियो, फिर एवरेज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सब फ्री में है। फिर इसी प्रकार जब चैप्टर करेंगे तो ये सब बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा आपका, 15.7625। और 4 वर्ष का भी इसका पूछता है 21.55, मतलब 4 वर्ष में तो 5 ही 10% पूछता है, और तो कोई आता ही नहीं है, शायद कभी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग का सीधे ही दोनों का अंतर पूछ रहा है। मूल राशि कितना दिया हुआ है, तो मूल राशि दिया हुआ है कितना, 10,000। अब मूल राशि अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 से दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 0.25 से गुना कर देंगे, क्योंकि 10 ही 10.25, 0.25, 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट के बदले 2 शून्य, तो एक्चुअल में दोनों का अंतर। यदि ब्याज में भी अंतर पूछता तो यही 25 होता, और परिपक्वता मूल मतलब मिश्रधन में भी अंतर पूछ रहा है तो यही 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1323, ये तो आप ही को बनाना चाहिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाई का मान निकालना है, 5x + y = 44 और y − 6x। तो पहले तो मैं −6x को ही लिख देता हूँ, −6x + y = −11, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर देते हैं, हमें y चाहिए तो x से m कर देते हैं। आप लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 9th में, x से m करने का मतलब है ऊपर 6 से गुणा करेंगे और नीचे 5 से, तो ऊपर 6 से इसमें भी करना पड़ेगा, तो 6 से y में भी करना पड़ेगा, 6 से यहाँ भी, नीचे 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 5 से यहाँ भी, अब सेम हो गया। अब क्या करना है ना, ये माइनस और ये प्लस है, देखिए ना माइनस है तो ऑलरेडी जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए ताकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, कैंसिल। अब ये जो बाई बचा हुआ है ये 6y ऊपर हुआ, नीचे 5y, जोड़ेंगे तो 11y बराबर, इसको गुना करोगे तो आएगा 6 × 24 और 6 × 24 = 26, 264।
नीचे गुना करोगे तो आएगा माइनस पांच पाई। अब घटा दो, चौदह में से पांच घटेगा नौ, क्लियर। देखिए ना, चार में से पांच नहीं घटेगा, चौदह में से पांच घटेगा नौ, ये बचा पांच, पांच में से पांच घटेगा जीरो, ये बचा दो, दो सौ नौ। अब क्या ग्यारह से काट दो, ग्यारह से काटो, ग्यारह के ग्यारह बच गया नौ, ग्यारह नौ नहीं आ गया। एक्चुअल में बाई का मान है उन्नीस। मतलब ये तो बच्चे बनाते हैं सेवन एट क्लास वाले, बस उसी को बस बनाना था हम लोग का। आंसर हो गया यहाँ पे बाई का मान उन्नीस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा है, आसानी है। एक कक्षा में बयालीस लड़कों का औसत इकतालीस किलो है, बयालीस लड़कों का औसत इकतालीस किलो है, उनचालीस किलो वाला एक लड़का कक्षा में आप शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन तैतालीस किलो के स्थान पर चौतीस किलो गिना गया था, मतलब सही होना चाहिए था तैतालीस, लेकिन गलती से गिना गया था चौतीस। एक वो तो शामिल हुआ है, शामिल हुआ है उनचालीस वाला, लेकिन एक वो गलती भी हुआ है। गलती वाला एवरेज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें स्पेशल टाइम में अपने असाइनमेंट से पढ़ा दिया हूँ कि एक ही लाइन में हम लोग बनाएंगे इसको कैसे। तो तैतालीस के स्थान पर चौतीस, तो नया औसत क्या है, तो यहाँ पे सही होना चाहिए तैतालीस, गलती से हो गया है चौतीस, मतलब कितना कम गया है। तो बोले सर जी तैतालीस में से चौतीस, यानी कि आप कह सकते हैं कि नौ, नौ कम लिखा है, मतलब नौ हम लोग बढ़ाएंगे। तो नया औसत निकालने का दो तरीका है। पहला तो एकदम सिंपल तरीका, योगफल से बयालीस गुना इकतालीस करिए, उसमें उनचालीस और जोड़िए, और फिर नौ कम है तो नौ और जोड़िए, उसके बाद इकतालीस है वो नया शामिल हुआ, बयालीस से भाग दे दीजिए, आंसर आना है। दूसरा तरीका है कि पहले से औसत कितना है, सॉरी बयालीस तो पहले से है, तैतालीस से भाग देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि पहले से औसत इकतालीस है, इकतालीस लेके चल दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नया औसत पूछ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। इकतालीस तो पहले से ही औसत है, अगला लाना चाहिए था इकतालीस लेकिन लेके आया उनचालीस, कितना कम आया। लाना चाहिए था इकतालीस लेके आया उनचालीस, कितना कम आया। तो बोले सर दो कम, तो दो कम है तो ये दो क्या होगा, घट जाएगा माइनस, और ये नौ कम लिखाया ही था गलती से, तो ये तो नौ जुटेगा ही प्लस, लेकिन इस सब में भाग कितना से पड़ेगा, तो भाग कितना से पड़ेगा। तो बोले कि सर टोटल में बटा है, बयालीस तो पहले था ये और टपक गया, यानी कि तैतालीस से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इकतालीस प्लस ऊपर घट के बजेगा सात बटा तैतालीस, अब तैतालीस से आप भाग दे सकते हैं। तैतालीस से जब जीरो बैठाइएगा तो आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स आ जाएगा, इसको आप भाग दे सकते हैं लगभग में वही आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स। जब इसको आप ऐड करिएगा तो इकतालीस में जीरो पॉइंट वन सिक्स मतलब इकतालीस दशमलव एक छः, यानी नया वाला जो आपका औसत होगा वह इकतालीस दशमलव एक छः होगा, दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जैसे बनाए उसे भी गुना करके भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे एवरेज पढ़े ना बहुत मजा आएगा। मैं एवरेज पूरा लगभग ये असाइनमेंट समाप्त करने वाला हूँ, फिर मैं इसमें से सोल्यूशन कराऊंगा, फिर कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेरह पच्चीस देख लीजिए, नौ है, आठ है, तीन है, पांच है, एक है, फिर नौ है, आठ है, दो है, फिर नौ है, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ। माधिका गौलक तथा माध्य, माधिका के नाम पहले लिया है तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटा एक है, उससे बड़ा दो है, फिर तीन है, तीन के बाद बड़ा आपको पांच ही नजर आ रहा होगा, पांच के बाद फिर आठ है, डबल आठ है, फिर नौ है, ट्रिपल नौ, दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, इतना लिख लीजिए। अब देखिए माधिका बहुलक मानक विचलन विचलन जो भी है, सभी स्टैटिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहले माधिका बहुलक तथा माध्य, तो माधिका, तो माधिका क्या बताए थे याद है किसी को, माधिका बहुलक माध्य, यही आपको ज्ञात करना है। तो माधिका क्या बोले, पढ़ते क्रम सजा के बीच बना, तो नौ वो है तो बीच वाला पता चल रहा है, चार लेफ्ट चार राइट छोड़िए आठ आ गया माधिका आठ। अब एक क्या ऑप्शन में, शुरू में आठ नहीं दो ऑप्शन में, बहुलक जिसकी संख्या अधिक हो बहुत नौ हो गए। अब आठ नौ जैसी देखे तो आठ के बाद नौ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आप मार सकते हैं, लेकिन माध्य भी ज्ञात करना है तो माध्य बराबर जोड़ के जय को अपना सभागर जुड़िए,
एक दो तीन तीन छह छह पांच ग्यारह ग्यारह आठ उन्नीस उन्नीस आठ सत्ताईस सत्ताईस और फिर यहाँ पे फिर नौ 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 सत्ताईस 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 कितना हो जाएगा चौवन चौवन में हम लोग नौ से भाग देंगे कितना हो गया छह यानी माधिका आठ बौलक नौ और माध्य छह ऑप्शन मिलाइए तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थोड़ा समय लगा लेकिन बेस्ट तरीका से कराने का मैंने प्रयास किया है। थोड़ा सा गला में थोड़ा मतलब की आवाज भारी के कारण आज हम लोग 25 तक ही छोड़ते हैं और इस कारण भी छोड़ रहे हैं कि अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। लंबा वीडियो होने के कारण बहुत सारे बच्चे पूरा एक बार में नहीं देख पाते, बोर हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि 25 सुबह और 25 शाम करके समाप्त करें ताकि आप पूरा एंजॉय करते करते माइंड पे प्रेशर भी ना ले और तैयारी भी हो जाए, पता भी ना चले। और बाकी आप लोग का क्या एडवाइस रहेगा वो कमेंट से पता चले, आप कमेंट जरूर करिएगा 50 वाला ही ठीक था या 25-25 करके ही सुबह शाम सॉल्यूशन लगातार करते रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो आप लाइक एक जरूर करिए और कमेंट अपना एडवाइस जरूर दीजिए और दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और जो नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।